माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक फोरम बाय लक्ष्मी नारायण। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। जितने भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स हैं, जहां 10th क्लास है, उन सारे स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का पक्का आता है। लगभग हर एक स्टेट बोर्ड के एग्जाम में आपको मिलेगा और सीबीएसई का भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। सीबीएसई भी इसको कई बार पूछता है। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहते हैं। आपसे कहते हैं ऑन डिवाइडिंग द पॉलीनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 2 बाय ए पॉलीनोमियल जी एक्स। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि हमारे पास ना एक पॉलीनोमियल है, कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का। सो दिस इज एक्स का क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर प्लस में एक्स और प्लस में 2। इस पॉलीनोमियल को हमने एक दूसरे पॉलीनोमियल जी एक्स से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। फिर क्या कहता है? द कोशेंट एट द रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4। ये बोलता है ना, जो उसका कोशेंट है वो कितना है? x माइनस 2 है, और जो उसका रिमाइंडर है वो कितना है? माइनस का 2x प्लस 4 है। तो यहां लगा देते हैं इसका वैल्यू। जो इसका कोशेंट है वो x माइनस 2 है और जो इसका रिमाइंडर है वो माइनस 2x प्लस 4 है। अब आपसे कहता क्या है? हम लोगों से बोलता है कि आपको कुछ भी करके जी एक्स का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन है तो बिल्कुल आसान सा है, डिवीजन एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। आपको मालूम है, आप यहां लिखना डिविडेंड, ठीक है? जो डिविडेंड है, दिस इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, और प्लस में क्या आएगा? प्लस में आएगा रिमाइंडर, ठीक है? डिविडेंड दिस इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू में कोशेंट और प्लस में क्या है? रिमाइंडर। अब आप देखो डिविडेंड कौन है? बीच वाला। इसको लिखेंगे x का क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2। डिवाइजर कौन है? डिवाइजर हमारे पास है जी एक्स। कोशेंट कौन है? कोशेंट हमारे पास है x माइनस 2। और रिमाइंडर कौन है? रिमाइंडर हमारे पास है माइनस का 2x प्लस का 4। यही मतलब है। अब हम क्या करेंगे? इस माइनस 2x प्लस 4 को खींच के इधर लाएंगे। जब इधर लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। सो दिस विल बी एक्स का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2। इसको मैं लिखूंगा तो 2x इधर आके प्लस का हो जाएगा, 4 प्लस का है तो इधर आ जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है? और हम इसको लिख पाएंगे क्या? जी एक्स मल्टीप्लाई बाय कितना होगा? x माइनस 2। ऐसा बनेगा। इसको देखिए, x का क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर, 2x में से 1x को एड करेंगे तो कितना आएगा? 3x आएगा। 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, सही है? अब देखो ये जो x माइनस 2 है ये कैसा है? मल्टीप्लाई में है। अगर मैं इसको उठा के नीचे ले आऊं तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, सही है? और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा किसके? जी एक्स के, ठीक है? तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे जी एक्स निकालना है तो इस वाले पॉलीनोमियल को मुझे एक्स माइनस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? जी एक्स मिल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, 9th क्लास से करते ही आ रहे हैं। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमने इसको यहां लिखा, क्या है? x का क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर प्लस का x और प्लस में 2। डिवाइड हम किससे करें? डिवाइड हम लोगों को करना है किससे करना है? x माइनस 2 से। बिल्कुल आसान है। क्या कुटर कुटर देख रहे हैं? कुछ नहीं है, ठीक है? चलो ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे? x की पावर 1 से x की पावर 3 को बनाना है, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? x स्क्वायर से करना पड़ेगा। तो अभी सारे को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। जब हम इस सारे को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आएगा? x का क्यूब आ जाएगा, ठीक है? इस वाले x स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब मैं 2 से करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? माइनस का 2x स्क्वायर। बिल्कुल टपम टप, बिल्कुल सही है, सही है ना? x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, लगाओ वैल्यूज के बीच में। x का क्यूब माइनस में 2x का स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे किया था? x स्क्वायर से। उसको लिख दो क्वेश्चन में, है ना? यही तो करना है, g की वैल्यू तो निकालनी है, सही है? चलो अभी आगे चलते हैं। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कट गया इसके साथ। माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x का स्क्वायर किसके बराबर है? माइनस का x का स्क्वायर। इसको लिखेंगे प्लस का x और प्लस का 2। यहां तो कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज है। अब देखो यहां x की पावर 1 है, यहां माइनस x का स्क्वायर है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करूं? x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे माइनस x का स्क्वायर मिल जाए? सबसे पहली चीज तो माइनस 1 चाहिए, तो हमने एक तो माइनस 1 से करना पड़ेगा। ये x का स्क्वायर है, ये x है, तो किससे चाहिए? x से चाहिए, तो इसका माइनस x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो इसको लिख दो दिस माइनस एक्स और इसके ब्रैकेट में लिखेंगे तो एक्स माइनस टू, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा प्लस का टू एक्स बन जाएगा। ठीक है, आसान बिल्कुल प्यार से है ना, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में टू एक्स, इसको लिखूंगा प्लस, इसको लिखूंगा माइनस, ये तो उड़ गया टाटा टाटा बाय बाय। एक्स में से टू एक्स आएगा, जब एक्स में से टू एक्स आएगा तो कितना आएगा माइनस एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा टू आ जाएगा। अब देखो यहां मेरे पास कितना है एक्स है और यहां मेरे पास कितना है माइनस एक्स है, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा माइनस वन से। ठीक है, और इससे पहले हमने किससे किया था, इससे पहले हम लोगों ने माइनस एक्स से किया था, तो माइनस एक्स को यहां लिख दिया। फिर हमें किससे करना है माइनस वन से, जब मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस वन के मल्टीप्लाई एक्स से करूंगा तो क्या आएगा दिस विल बी माइनस का एक्स, और माइनस वन का मल्टीप्लाई जब मैं माइनस टू से करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा प्लस का टू मिलेगा। इसको करो तो ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये भी टाटा टाटा, ये भी टाटा टाटा, सारा ही टाटा टाटा हो गया ना, रिमाइंडर कितना आ गया जीरो आ गया। और जब रिमाइंडर जीरो आता है तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है, इसका मतलब जो जी एक्स है उस जी एक्स का वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस वन, ऐसा हमारा आंसर आएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड है, कुछ भी नहीं था है ना, आसान सा सवाल था, हमने इसको इससे डिवाइड किया, ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है, जी एक्स निकालना था तो हमने लिख दिया डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर गुना क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर, तो हमने यहां से जी एक्स का वैल्यू निकाल लिया। जब हम यहां से जी एक्स का वैल्यू निकालते हैं डिवाइड करके तो आंसर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। इस मुश्किल की घड़ी में अपने दूसरे साथियों की सहायता कीजिए, हमारी भी कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। We'll be right back.